अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंटेल की सीपीयू की जो अलग अलग कैटेगरी है वो समझाई थी। i3 क्या होता है, i5 क्या होता है, i7 क्या होता है, मेन स्ट्रीम कैटेगरी के सीपीयूज क्या होते हैं, एंथूजियस्ट कैटेगरी के सीपीयूज क्या होते हैं। उसमें मैंने कहा था कि i3 में आपको फिजिकली 2 कोर मिलेगी और बिकॉज ऑफ हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी वो 4 कोर वाले सीपीयू की तरह काम करेगा। i5 में फिजिकली 4 कोर मिलेगी लेकिन वहाँ पर कोई भी हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। कुछ i5 हैं जो मोबाइल i5 होते हैं उसमें हाइपर थ्रेडिंग मैंने देखा है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो i5 में हाइपर थ्रेडिंग नहीं मिलता, फिजिकली 4 कोर होती है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी वो 4 ही कोर रहती है। और अगर i7 की बात करें तो उसमें भी फिजिकली 4 कोर मिलती है लेकिन वहाँ पर सारे के सारे i7 में हाइपर थ्रेडिंग इनेबल होता है, तो बिकॉज ऑफ हाइपर थ्रेडिंग वो 8 कोर वाले ऑक्टाकोर सीपीयू की तरह काम करेगा। ये यहाँ तक की कहानी थी जब तक इंटेल ने अपनी अगली जनरेशन यानी कि 8th जनरेशन अनाउंस नहीं की थी, कॉफ़ी लेक सीरीज़ के प्रोसेसर अनाउंस नहीं किए थे। तो अभी 3-4 दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुई है कि इंटेल ने अपने नए सीपीयूज 6 नए सीपीयूज लॉन्च किए हैं, 8th जनरेशन लॉन्च की है एक कम्प्लीटली नए चिपसेट के साथ जिसका नाम है Z370। अभी तक हम Z270 यूज़ कर रहे थे, 7th जनरेशन का चिपसेट एज वेल एज 7th जनरेशन के प्रोसेसर। तो अगली जनरेशन अनाउंस हुई है, 6 नए प्रोसेसर अनाउंस हुए हैं, 2 नए i3 अनाउंस किए हैं जिसमें से एक लॉक्ड है एक अनलॉक्ड है, 2 नए i5 अनाउंस किए हैं जो दोनों के दोनों लॉक्ड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर में जो हमारी ओवरक्लॉकर्स की कम्युनिटी है उसके लिए भी एक i5 ऐसा आएगा जो कि अनलॉक्ड होगा, लेकिन अभी जो 2 अनाउंस किए हैं वो दोनों के दोनों लॉक्ड है। 2 नए i7 अनाउंस किए हैं, एक लॉक्ड है एक अनलॉक्ड है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये अनाउंसमेंट करने के लिए वीडियो मैंने नहीं बनाया है, मुझे आपके ओपिनियंस चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ पर, ये जो हुआ है। जैसे मैंने कहा बिगिनिंग में, वीडियो के बिगिनिंग में, कि मैंने जो वो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ऐसा ऐसा कहा था, लेकिन ये सब कुछ चेंज हो चुका है 8th जनरेशन के साथ। अगर आप देखोगे तो 8th जनरेशन के जो ये 6 के 6 नए सीपीयूज अनाउंस हुए हैं, अगर मैं i3 की बात करूँ तो ये पहला i3 है इंटेल का, इंटेल की हिस्ट्री में सबसे पहला i3 होगा सारी की सारी जनरेशन में जिसमें फिजिकली 4 कोर दी गई है। पहले क्या हुआ करता था, i3 में 2 कोर हुआ करती थी और बिकॉज ऑफ हाइपर थ्रेडिंग वहाँ पर इनेबल हुआ करता था तो वो वर्चुअली 2 कोर और मिल जाती थी तो ओवरऑल 4 कोर वाले सीपीयू की तरह काम करता था, लेकिन फिजिकली तो 2 ही कोर हुआ करती थी। लेकिन ये पहला i3 होगा 8th जनरेशन का जिसमें फिजिकली 4 कोर दी गई है और जो हाइपर थ्रेडिंग पहले इनेबल हुआ करती थी वो यहाँ से निकाल दिया गया है, हाइपर थ्रेडिंग जैसा फीचर, तो फिजिकली 4 कोर दे दी है। तो एक इन जनरल अगर हम देखें तो बहुत अच्छी चीज़ हुई है, ओवरऑल जो सीपीयूज़ हैं उसको बेटर किए गए हैं। और अगर आपने हमारी जनरेशन वाला वीडियो देखा होगा सीपीयू की जनरेशन, उसमें भी मैंने यही कहा था कि हर एक नई जनरेशन के साथ ऐसे ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं, या तो सीपीयूज़ को चेंज किया जाता है या उसका आर्किटेक्चर चेंज किया जाता है या ओवरऑल सीपीयूज़ को बेटर किया जाता है, नए चिपसेट लॉन्च किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वही हुआ है। अगर हम i5 की बात करें तो ये पहला i5 होगा, जैसे मैंने कहा इस जनरेशन के साथ बहुत कुछ चेंज हुआ है, ये पहला i5 होगा जिसमें फिजिकली 6 कोर। अगर आप देखोगे उस वीडियो को, आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने कहा था कि मेन स्ट्रीम कैटेगरी में, ये जो मेन स्ट्रीम कैटेगरी है उसमें कोई भी आप ऐसा प्रोसेसर नहीं देखोगे जिसमें फिजिकली 4 से ज़्यादा कोर हो, वो वहाँ तक की कहानी थी 7th जनरेशन तक की। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि 8th जनरेशन का जो i5 है उसमें फिजिकली 6 कोर वाले सीपीयूज दिए गए हैं। और यहाँ पे भी पिछली कैटेगरीज की तरह ही, पिछले जो जनरेशन है उसमें भी i5 में हाइपर थ्रेडिंग नहीं हुआ करती थी, तो इसमें भी नहीं है, ठीक है, i3 में भी नहीं है और i5 में भी नहीं है। i3 में फिजिकली 4 कोर, i5 में फिजिकली 6 कोर वाले सीपीयूज। और अगर हम i7 की बात करें तो i7 में फिजिकली 6 कोर वाले सीपीयूज़ दिए गए हैं जो पहले एंथूजियस्ट कैटेगरी में हुआ करते थे। मेन स्ट्रीम कैटेगरी में कोई भी i7 ऐसा नहीं था जिसमें फिजिकली 4 से ज़्यादा कोर हो, और यहाँ पे हाइपर थ्रेडिंग इनेबल्ड है तो ये एक 12 कोर वाले सीपीयू की तरह काम करेगा। और अगर आपको ये सीपीयूज़ यूज़ करने हैं, इस पर अपग्रेड करना है, तो आपको एक नया मदरबोर्ड भी परचेज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा इन 6 नए सीपीयूज़ के साथ एक नया चिपसेट भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है Z370। अभी तक Z270 पे थे हम, तो नए मदरबोर्ड परचेज करने पड़ेंगे बहुत ही जल्द, अगली अक्टूबर की 5 तारीख को ही ये सीपीयूज़ और चिपसेट आउट हो जाएंगे। अभी तक चिपसेट का भी एक ही वर्जन अनाउंस किया है उन लोगों ने, लेकिन जैसे मैंने अपने Z270 का एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, तो उसके जो थोड़े से लोअर चिपसेट हैं वो भी अनाउंस किए जाएंगे, 4-5 और भी चिपसेट आएंगे और उसके मदरबोर्ड भी आएंगे। तो ओवरऑल अगर कहें तो इंटेल ने थोड़ा सा खर्चा बढ़ा दिया, अगर जिसको अपग्रेड करना है नए सीपीयूज़ खरीदने पड़ेंगे एज वेल एज नए चिपसेट नए मदरबोर्ड खरीदने पड़ेंगे। मेमोरी के केस में मेमोरी वही है, DDR4 मेमोरी, ड्यूअल चैनल मेमोरी सपोर्टेड है, तो मेमोरी अगर आपके पास पुरानी पड़ी हुई है कोई किट है तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गई अनाउंसमेंट की बात और जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, लेकिन इससे भी बियॉन्ड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ।
पिछले साल अगर आपने देखा हो, इस साल के बिगिनिंग में ही मैंने Z270 पे एक वीडियो बनाया था और वहाँ पे Z270 चिपसेट क्या है और 7 जनरेशन का चिपसेट एज वेल एज 7 जनरेशन के प्रोसेसर समझाए थे। जैसे ही मैंने वो वीडियो बनाया था तब तक एक प्रोसेसर था जो अनाउंसमेंट नहीं हुआ था उसका। उसके बाद एक प्रोसेसर अनाउंस किया गया, इंटेल का पहला i3 7 जनरेशन का 7350K, जो कि पहला एक अनलॉक्ड CPU था। वहाँ पे दो फिजिकल कोर थी, हाइपर थ्रेडिंग इनेबल था और पहला ऐसा CPU था, इंटेल का पहला i3 था जो कि अनलॉक्ड था। और वो इसीलिए हुआ था क्योंकि कहीं ना कहीं राइजन सीरीज़ अनाउंस हो गई थी। ऑफिशियली उसके CPUs आउट नहीं हुए थे लेकिन अनाउंसमेंट हो गया था राइजन का एज वेल एज थ्रेडरीपर का। तो वो जब i3 आया, इंटेल का पहला i3 है जो कि अनलॉक था, उसका मल्टीप्लायर अनलॉक्ड है तो आप उसे ओवरक्लॉक कर सकते हो। तो उस CPU को देख के मुझे कहीं ना कहीं लग गया था, समझ में आ गया था कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है और ऐसा हुआ भी। उसके बाद राइजन सीरीज़ के CPUs आए बहुत सारे। तो अगर आप राइजन सीरीज़ को देखोगे तो उसका जो एंट्री लेवल CPU है यानी कि 1200 या 1300, उसमें भी फिजिकली 4 कोर मिलती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इंटेल ने अपनी 8 जनरेशन अनाउंस की है और ये सब कुछ जो हुआ है वो बिकॉज ऑफ AMD की वजह से ही हुआ है। तो थैंक यू AMD, मैं AMD का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और जो हो रहा है वो अच्छी चीज़ हो रही है कि हमारे जो कम्युनिटी है वो ग्रो हो रही है, CPUs बेटर हो रहे हैं, चिपसेट भी बेटर हो रहे हैं और उसकी एज वेल एज प्राइस डाउन हो रही है। लेकिन अगर हम प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी भी AMD कहीं ना कहीं इंटेल से आगे हैं। जितने भी AMD के यूज़र्स होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो जब 7350 अनाउंस हुआ तभी मुझे पता चल गया था कि ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है और ऐसा हुआ भी। अगर आप अभी देखें, अभी के i3 की अगर आप ध्यान से नोट करें तो पिछली जनरेशन में जो i5 हुआ करता था फिजिकली 4 कोर के साथ, हाइपर थ्रेडिंग नहीं मिलता था, सेम सिचुएशन में है अभी i3। फिजिकली 4 कोर है, हाइपर थ्रेडिंग नहीं है। तो अगर एक तरीके से देखने जाए तो डायरेक्टली तो इंटेल ये नहीं कह सकता कि हमने अपने CPUs की प्राइस डाउन कर दी, लेकिन जो हायर लेवल के CPUs थे उनको कहीं ना कहीं डाउन करके एक i3 की तरह बेचा जा रहा है। पहले के जो i5 थे वो आज i3 है। अगर आप देखो i5 में, आज के जो i5 है 8 जनरेशन के, उसमें फिजिकली 6 कोर मिलती है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले 6 कोर वाला अगर आपको CPU चाहिए तो आपको एंथुजियस्ट कैटेगरी में जाना पड़ता था, लेकिन आज मेन स्ट्रीम कैटेगरी में 6 कोर वाले i5 और 6 कोर वाले i7 मिलते हैं। पहले i7 अगर आपको 6 कोर वाला या मोर देन दैट चाहिए तो आपको एंथुजियस्ट कैटेगरी में जाना पड़ेगा, लेकिन आज मेन स्ट्रीम कैटेगरी में 6 कोर वाला i7 और i5 मिलता है। और i7 हाइपर थ्रेडिंग की वजह से है तो वहाँ पे 12 कोर हो जाएगी। तो अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जिसने अभी अभी 7 जनरेशन में अपग्रेड किया था, अभी एक साल भी नहीं हुआ है 7 जनरेशन को लॉन्च हुए, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिसअपॉइंटेड होंगे और थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मैं भी हूँ। क्योंकि जिसने अभी अभी G70 लिया है मदरबोर्ड और नया प्रोसेसर लिया है वो तो कहीं ना कहीं दुखी होगा, क्योंकि उतने ही पैसे में जो पहले 4 कोर वाला CPU मिलता था आज 8 कोर वाला CPU उतने ही पैसे में मिलेगा। अब ये 8 जनरेशन आ गई, ठीक है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये इंटेल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इंटेल ने बैक टू बैक थर्ड टाइम एक ही सेम नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे अपनी तीसरी जनरेशन लॉन्च की है। अगर आपने इंटेल की हिस्ट्री देखी होगी और आपने हमारा जनरेशन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक 22 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर है तो उस पर एक जनरेशन लॉन्च की जाती है, उसके बाद एक दूसरी जनरेशन उसकी जो रिफ्रेश वर्जन है वो आता है, और तीसरी जनरेशन जब आती है उसके बाद तो फिजिकली जो नैनोमीटर आर्किटेक्चर है, जो ट्रांजिस्टर उसमें यूज़ किए जाते हैं, उनका साइज़ रिड्यूस किया जाता है, चेंज किया जाता है फिजिकली। लेकिन ये पहली बार हुआ है इंटेल की हिस्ट्री में कि थर्ड टाइम बैक टू बैक उसी सेम 14 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे तीसरी जनरेशन भी लॉन्च की गई है। अगर 6 जनरेशन की बात करें तो उसमें भी 14 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था, 7th में भी सेम, और ये 8th जनरेशन जो कि तीसरी जनरेशन है एक ही सेम नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहले तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन जनरल हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो CPUs हैं वो बेटर हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है जो इंटेल के एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड होंगे। पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब थ्रेडरीपर सीरीज़ अनाउंस ही हुई थी, इंटेल ने अपनी 6 जनरेशन का जो एक्सट्रीम कैटेगरी का CPUs हैं वो लॉन्च कर दिए थे, यानी कि 6950X। मेरा एक दोस्त है जिसने ख़रीदा भी था तो वो $1700 का प्रोसेसर था, 10 कोर वाला फिजिकली एक्सट्रीम कैटेगरी का CPU है, 6 जनरेशन का सबसे हाईएस्ट, फिजिकली 10 कोर वाला, हाइपर थ्रेडिंग की वजह से वो 20 कोर वाला CPU हो जाएगा, तो वो $1700 का, तो इंडिया में जिस मेरे दोस्त ने ख़रीदा था ऑलमोस्ट 1,86,000 का CPU उसको पड़ा था। और उसके थोड़े ही टाइम बाद जैसे ही AMD ने थ्रेडरीपर अनाउंस किया तो थ्रेडरीपर का जो सबसे हाई CPU है 1950X $1000 में मिलता है। तो उसके थोड़े ही टाइम बाद इंटेल ने अपनी 7 जनरेशन के जो Skylake X प्रोसेसर है, एंथुजियस्ट कैटेगरी के प्रोसेसर, वो अनाउंस किए, तो उसका 7900X यानी कि 6950X का अगला वर्जन जो कि उन्होंने $1000 में रिलीज़ किया, तो 6950X से बेटर है 7900X अगर हम बेंचमार्किंग की बात करें, पुराना वाला $1700 में और ये $1000 में। तो मेरे दोस्त का मतलब उसने लिया था और उसके 4 या 5 दिन बाद ही अनाउंसमेंट हुआ था,
तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर थे जो उस वक्त ये जब पता चला था, स्पेशली जो एंथुजियास्ट है जिन्होंने 1650X लिया था, लिटरली वो डिसअपॉइंटेड थे। और बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बताया, और जब मैंने भी सुना तो मुझे झटका लगा, शॉक लगा लिटरली, यार ये क्या है, मतलब ये $1700 का प्रोसेसर और उससे बेटर अगली जनरेशन का प्रोसेसर $1000 का, तो ये बहुत कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं AMD की वजह से ही हो रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छा ही हो रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके लिए, उनके साथ कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे सब्सक्राइबर जितने भी एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं और एंथुजियास्ट हैं, वो मुझे बताइए कि ये पहले तो आपको अनाउंसमेंट कैसा लगा, इंटेल ने 6 नए CPUs एक नए चिपसेट के साथ अनाउंस किए हैं, तो आप उस पर आपको कैसा लगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो या नहीं मुझे पहले बताइए, अभी आप कौन सी जनरेशन पर चल रहे हो और अपग्रेड करना चाहते हो तो क्यों अपग्रेड करना चाहते हो, आपका रीज़न क्या होगा, वो पर्सनली मैं जानना चाहता हूँ, आपके ओपिनियंस क्या है, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया होगा, जो भी समझाया होगा, आप मेरी बात से सहमत होंगे, और कुछ भी अगर बताना है या मुझसे बात करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।